आज इलेक्शन का दिन रहता है। इलेक्शन में कोई दंगे ना हो इसलिए पूरा शहर बंद रहता है। उसी दिन बबीता जी का बर्थडे रहता है। बबीता कॉल करके अंजलि, दया, रोशन और माधवी को पार्टी करने के लिए अपने घर बुलाती है। कुछ ही देर में सभी लोग बबीता के घर आते हैं तो देखते हैं कि बबीता का किसी ने खून कर दिया है। तो रोशन जल्दी से पुलिस को फ़ोन करके वहाँ फौरन बुलाती है। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस पूरा छानबीन करने के बाद सभी से पूछते हैं कि तुम सभी यहाँ क्या कर रहे हो। तभी अंजलि कहती है, हमें बर्थडे पार्टी के लिए बबीता ने बुलाया था। फिर पुलिस सबसे पूछते हैं, जब बबीता का खून हुआ था तब तुम सभी क्या कर रहे थे। अंजलि कहती है, मैं अपने घर पर टीवी देख रही थी। और रोशन कहती है, मैं घर पर तैयार हो रही थी, मुझे नहीं पता बबीता का खून किसने किया है। दया कहती है, मैं बबीता के लिए गिफ्ट लेने शॉप गई थी, मुझे भी बबीता के खून के बारे में कुछ नहीं पता। माधवी कहती है, मैं घर पर सोनू को पढ़ा रही थी, मुझे भी बबीता के खून के बारे में कुछ नहीं पता। इन सभी की बातें सुनने के बाद पुलिस को तुरंत पता चल जाता है कि खूनी कौन है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि खूनी कौन है? अगर आपको पता चला तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए। आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड का टाइम है। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, खूनी कोई और नहीं दया है, क्योंकि उसने कहा कि वो बबीता के लिए गिफ्ट लेने सौंप गई थी, जबकि उस दिन शहर की सारी दुकानें बंद थी। तो फिर वो कैसे गिफ्ट लेने जा सकती है? वो झूठ बोल रही है, यानी कि उसी ने बबीता का मर्डर किया है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपको आंसर जानने में कितने सेकंड लगे थे।